हम कभी भी भूतकाल में नहीं जा सकते। भूतकाल में जो भी त्रुटियां हुई हैं उसको हम नहीं सुधार सकते, लेकिन हमारा जो आने वाला कल है, हमारा जो भविष्य है, उसके प्रति हम आशान्वित हो सकते हैं, सपने देख सकते हैं और उनको पूरा भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप वर्तमान का सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर भूतकाल में कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ हो गई हैं जो कि वास्तव में आपको तोड़ कर रख रही हैं, तो उनको भूल जाने में ही भलाई है। कहता है कि जब से जागो तभी से सवेरा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के मॉर्निंग सेशन में। आज नवरात्रि का शुभारंभ है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ माँ दुर्गा से कि वो सभी आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आने वाले भविष्य के प्रति आपके मन में एक अच्छी योजना जन्म ले और उसको आप वर्तमान के अनुसार कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरा कर सकें, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो इसी प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज़। और सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती का एक सर्वे मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। इस सर्वे के आधार पे एक सही कट ऑफ मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। आप लोगों को करना ये है कि आप एक काम कीजिएगा कि आपके सुपर टेट यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कितने अंक आए वो लिखिएगा, अपनी कैटेगरी लिखिएगा, और टेट में कितने अंक आपके आए थे यूपी टेट या सी टेट में वो भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो उसके आधार पे मैं बताऊंगा बाद में आपको कि 40 और 45% पर कट ऑफ कितनी हो सकती है और 60 और 65% पर कट ऑफ कितनी हो सकती है, यानी कि दो संभावनाएं हैं। जो तीसरी संभावना है जीरो लेवल कट ऑफ पर, तो उसके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो उसको आप देख सकते हैं, कम्युनिटी टैब में मैं उसे शेयर कर दूंगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि कल देर शाम जो है एलटी गेट का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया अगले चरण का, और कल जो है संगीत महिला संगीत शाखा के अंतर्गत सभी 60 रिक्तियों पर अभ्यर्थियों का चयन औपबंधिक रूप से किया गया है, जिसमें ऋचा सिंह को सर्वोच्च स्थान और तनुश्री कुकरेती और दूसरे व दर्शी श्रीवास्तव तीसरे स्थान पर रहें। गृह विज्ञान पुरुष शाखा की कुल एक रिक्ति जो थी वो रिक्त रह गई, क्योंकि इस पर कोई भी अभ्यर्थी जो है वो सेलेक्ट नहीं हो सका क्योंकि कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर सका। देखिए एक बात का ध्यान आपको रखना होगा कि पिछली बार 68,500 जब शिक्षक भर्ती हुई थी तो उसमें से मात्र 41,000 चलिए ऑल ओवर 45-46,000 लोग पास हो पाए थे, और बहुत सारे लोग यानी कि 34,000 के आसपास शिक्षाविद जो थे वो परीक्षा में शामिल हुए, और मात्र उनमें से कितने लोग पास हुए, उनमें से मात्र जो है 7,000 समथिंग शिक्षा मित्र ही उत्तीर्ण हुए थे। तो ये कहना यहाँ पर इस बार की परीक्षा में सारी सीटें लगभग 40,000 शिक्षा मित्र उत्तीर्ण हो जाएंगे ये संभव नहीं है। शिक्षा मित्रों की संख्या इस बार भी बहुत अधिक नहीं होने वाली है, 25 से 30,000 का अनुमान है, और इससे अधिक जो है शिक्षा मित्र उत्तीर्ण नहीं होने वाले हैं, और इसके बाद जनरल के लिए भी लगभग 5 से 10,000 के बीच में। देखिए शिक्षा मित्र जितने कम उत्तीर्ण होंगे उतनी अधिक सीटें जनरल को मिलेंगी, कम से कम 5,000 मैक्सिमम 10,000 तक सीटें जो होंगी जनरल के लिए उपलब्ध हो पाएंगी, तो बहुत अधिक जो है आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एलटी का जो परिणाम जारी हुआ है तो उसमें भी लोग निर्धारित कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। कट ऑफ लग जाने के बाद वो कट ऑफ भले ही यहाँ पर 40 से 45% लगाई गई है, लेकिन यह कट ऑफ भी बहुतों के लिए बहुत ही एक डे ड्रीमिंग है। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि अभी तक एलटी गेट का जो परिणाम जारी हो रहा है वो हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन होगा, और इसके अकॉर्डिंग अभी मूल अभिलेखों का जो होगा वो सत्यापन होगा और उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कट ऑफ के बारे में अगर बात करें तो परीक्षा परिणाम से संबंधित प्राप्तांक और श्रेणीवार पदवार कट ऑफ अंक आयोग की वेबसाइट पर जल्द प्रदर्शित की जाएंगे, इस आशय की सूचना जो है प्राप्त हो रही है, और आगे जो विषय हैं क्रमशः जो छोटे विषय हैं पहले वो जो है उनके परिणाम आउट होंगे और उसके बाद क्रमशः बड़े विषयों का परिणाम जारी होगा। डीएलएड के बारे में अगर बात करें तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय जल्द ही डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम जारी करने की तैयारी में है। संकेत है कि दोनों रिजल्ट 15 अप्रैल के आसपास घोषित होंगे, वहीं आगामी सेमेस्टर परीक्षाएं मई माह के अंत में होंगी, उसका कार्यक्रम भी अगले माह जारी होगा। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण प्रशिक्षा जो कि डीएलएड 2017-18 का रिजल्ट जल्द आ रहा है, 2017 की सेमेस्टर परीक्षा में 1,74,000 और 2018 में 2,10,000 प्रशिक्षु शामिल हुए थे, इनकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है, परिणाम तैयार हो रहा है। और फ्रेंड्स इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि डीएलएड 2019 में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो इसके लिए अगले माह प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो रही है, और इस संबंध में एनआईसी वेबसाइट तैयार कर रहा है। माना जा रहा है कि यह कार्य पूरा होते ही परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय शासन से अनुमति लेगा, प्रवेश प्रक्रिया मई माह के पहले सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं
15 अप्रैल को जारी होगा शिक्षक भर्ती का विस्तृत विज्ञापन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 558 पदों पर भर्ती का विस्तृत विज्ञापन अब 15 अप्रैल को जारी होगा। पहले यह विज्ञापन 5 अप्रैल को जारी होना था। इलाहाबाद प्रशासन ने यह फैसला किया है कि विज्ञापन जारी करने के बाद उसी दिन से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू होगी और कुल 558 पदों में 66 पद जो हैं प्रोफेसर के हैं, 156 पद एसोसिएट प्रोफेसर के हैं और 336 पद असिस्टेंट प्रोफेसर पद के हैं। शिक्षक भर्ती की ऑनलाइन प्रक्रिया 18 मार्च से शुरू होनी थी, किन्हीं कारणों से नहीं शुरू हो पाई। दोबारा 5 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई थी। इलाहाबाद प्रशासन 5 अप्रैल को भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाया तो अब जो है ये 15 अप्रैल को प्रक्रिया शुरू होगी। इससे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखा जा सकेगा। शिक्षक भर्ती 200 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के तहत होनी है। इस बार 10% गरीब सवर्ण आरक्षण व्यवस्था भी लागू होनी है। सूत्रों का कहना है कि आरक्षण निर्धारण को लेकर कुछ तकनीकी पेंच है और इस बारे में प्रोफेसर अनुपम दीक्षित का कहना है कि गरीब सवर्ण के पद कितने होंगे इस बात की जानकारी भी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। तो फ्रेंड्स बात करते हैं विज्ञापन संख्या 47 के अंतर्गत जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए परीक्षा हुई थी तो उसमें अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के परिणाम पर स्थिति अभी भी साफ नहीं है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पहले और दूसरे चरण की परीक्षा का परिणाम 15 अप्रैल तक दिए जाने का आश्वासन जरूर दिया है लेकिन 29 विषयों में आई सैकड़ों आपत्तियों का निस्तारण अभी नहीं हो सका है। इससे परिणाम की आस में 2.5 माह से बैठे अभ्यर्थियों का इंतजार बढ़ने के आसार हैं। UPSC की ओर से विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा 35 विषयों में चयन के लिए हो रही है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और इलाहाबाद में प्रवेश के लिए 12 अप्रैल से आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जो लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं स्नातक परास्नातक और विधि सहित अन्य पाठ्यक्रमों में, तो उनके लिए जो आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया है वो 12 अप्रैल से शुरू होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 मई निर्धारित की गई है। प्रवेश परीक्षाएँ 3 मई और 2 जून के बीच कराई जाएंगी। फिलहाल इसकी विस्तृत सूचना बाद में घोषित की जाएगी। आपको अगर अधिक जानकारी लेनी है तो आप जो वेबसाइट है au.pravesh2019.com पर या फिर admission2019.com के लिंक या फिर www.alduniv.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। ये और इसके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो जो है ऑफलाइन होगा पूरी तरीके से, ठीक है। और इसके लिए जो विज्ञापन है वो आप संचित विज्ञापन यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 12 अप्रैल से लेकर 3 मई तक आवेदन किए जा सकेंगे। प्रवेश परीक्षा 3 मई और 2019 के 2 सप्ताह के मध्य होगी जिसकी सूचना बाद में घोषित की जाएगी। अधिकांश परीक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विधाओं में होंगी। कुछ परीक्षाएं केवल ऑनलाइन यानी कि व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम है तथा संयुक्त शोध परीक्षा केवल ऑफलाइन होगी। उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली के अतिरिक्त सभी केंद्रों पर केवल ऑनलाइन परीक्षा होगी। किसी भी परीक्षा हेतु आवेदन के पूर्व आवेदक अपनी अर्हता सुनिश्चित कर लें। यदि कोई आवेदक किसी परीक्षा हेतु किसी भी चरण में अर्ह नहीं पाया जाता है तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की खबरें और हमेशा की तरह गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे। एक्चुअली फ्रेंड्स बैकग्राउंड में कुछ नॉइज आपको मिल रही होगी तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ क्योंकि इस समय मैं अपने प्रॉपर लोकेशन पर नहीं हूँ तो कई दिनों से मैं आउट ऑफ स्टेशन ही हूँ और ड्यू टू ए मेडिकल इमरजेंसी विद रिलेटिव, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे। जय माता दी।